आम आदमी पार्टी ले फरीदकोट जिले के हलका जैतो तो चुने गए विधायक अते हुण आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कह पंजाबी एकता पार्टी के सीनियर मीत प्रधान मास्टर बलदेव सिंह ने फरीदकोट च काली नाल कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फरीदकोट लोक सभा हल्के तो चोन लड़न का इशारा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हों का बहुजन समाज पार्टी लोग इंसाफ पार्टी तो होर भी हमख्याल पार्टियां नाल गठजोड़ हो चुका है। इस गठजोड़ च दो लोक सभा सीटा बठिंडा ते फरीदकोट लगभग पंजाबी एकता पार्टी के हिस्से आ चुकी हैं। उधर सारिया पार्टियां ने भी सहमति देती है जेकर पार्टी उन्होंने ड्यूटी लगाती है तो फरीदकोट लोक सभा हल्के तो चोन लड़नगे। पंजाब एकता पार्टी जी है खरा साहब ने बनाई है उस मैं जरा आम आदमी पार्टी का अस्तीफा दे के एक इधर पंजाब एकता पार्टी के खड़ा है तो मैनू खरा साहब ज अपने जोड़े दूसरे सारे साथी ने साडे उन्होंने मीत प्रधान पंजाब लाया तो आने वाले समय के असी पूरे पंजाब एकता पार्टी को ही खड़ा करके लोगों के जोड़े मुद्दे उठाने हैं विधानसभा भी उठाने हैं और पंजाब दे विच भी जाके पूरे सारे हल्कों के जाके गलबात शुरू करनी है जी। असी बकायदा पिंडां दे विच विचरदे रहे हैं तो मेरे जैतो हल्के दे मैं तुहानूं दसना चाहांगा तुहाडे राही मैं अपने पूरे पंजाब दे जां NRI वीरां नूं दसना चाहांगा कि मेरे 32 इन्हां ने मतलब प्रोफेसर साधु सिंह दा बेटा है राजपाल उसने 32 ग्रांटां पा के मेरे हल्के दीआं रद्द कीतीआं सी ते उह लोक हुण बड़े महसूस करदे ने भी इन्हां ने जड़ियाँ 32 ग्रांटा मतलब पास कित क्यों नहीं दिखाई गई तो लोग तो मतलब कहते कि इन्हों वोट पानी नहीं इन्हों प्रोफेसर साहब नूं आने वाले समय MP इलेक्शन किस तरह तैयारी है। देखो पंजाब एकता पार्टी जी है इसने जो गठजोड़ होया सारिया दूजिया धिरों के नाल बैंस भरावान अपने बहुजन समाज पार्टी गांधी साहब का जरा पंजाब मंच नाल ते पंजाब एकता पार्टी का जरा है ये गठजोड़ होया जी हुणे थोड़े दिन होए मीटिंग हुई उहदे विच मन्ने होया फैसला कि बठिंडा ते फरीदकोट जरा है पंजाब एकता पार्टी नूं जाएगा तो उहदे विच देख रहे जी जिवें साडे PAC कमेटी जां स्टेट कमेटी जी है बैठ के जो फैसला लवेगी एक दो दिन फैसला हो जाना है भी इत्थों इलैक्शन किहने लड़ना है। सूत्रां दे हवाले तों पता लग रहा है तुहानूं टिकट मिल रही है। देखो मतलब काफ़ी लोग मैनू मतलब फोनों से भी गलबात हो रही है उंज भी मैं कह रहे भी तुम इतों इलैक्शन लड़ रहे हो। देखो जे पार्टी महसूस करेगी पंजाब एकता पार्टी महसूस करती है भी तुम इतों इलैक्शन लड़ना है तो मैं इलैक्शन लड़ांगा क्योंकि मैं जो पंजाब के लिए काम करने वास्ते सहु खा के इधर पासे आया है और पंजाब के लोगों की गल करनी है तो वड्डी गल है जी पंजाब एकता पार्टी है दूसरिया पार्टियां नालों जिहड़े पूरे भारत के पार्टियां ने लगभग 4000 के लगभग पार्टियां ने उन्होंने एक वक्रा काम जो पंजाब एकता पार्टी कर जा रही है उस है कि असी जो चोन मैनीफेस्टो साडा होगा वो एक लीगल डाकूमेंट होगा असी बकायदा राष्ट्रपति को भी और भारत के चोन कमिश्न भी लिख के देवे जी जे असी लोगों वादे करा जे असी 2 या 2.5 साल ही फिक्स करके दसागे भी 2 या 2.5 साल काम असी पूरे ना कर सके तो असी लोगों के जवाबदेह होवे वोटर के ही जवाबदेह होवे वेद जेकर असी 2.5 साल जे मतलब 50 या 30 या 20 या जिन्हें भी अं चोन मैनीफेस्टो देवे जो साडा एक भी वादा उस रह गया तो कोई भी वोटर जरा जाके कोर्ट के सैंपल एप्लीकेशन दे के कह सकता है कि इन्होंने साढ़े नाल धोखा किया असी वह वादे जिन्हें करा आपके डेट जो समय के पूरे करने की कोशिश करा। जागृति लैली फरीदकोट तो गुरजीत रोमाणा की रिपोर्ट।